समूहवाचक, समूह का मतलब क्या होता है, झुंड का बोध होता है। तो जगह जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह या समुदाय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम जैसे क्या लिखते हैं, जैसे मेला, जैसे मेला, मेला में क्या होता है, बहुत सारे लोग रहते हैं, मेला है ना, जैसे क्या हो जाएगा मेला। फिर क्या हो जाएगा सभा, क्या हो जाएगा ये सभा, सभा। सैनिक, ये हो जाएगा सैनिक, है ना, ये हो जाएगा सैनिक सभा, ठीक है। ये झुंड, जैसे मेला में, मेला में क्या बहुत सारे लोग रहते हैं, समूह या झुंड का बोध होता है ना। जैसे कक्षा, कक्षा में क्या हो जाएगा, कक्षा में क्लासरूम, क्लासरूम में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे बैठते हैं ना, कक्षा, कक्षा आदि, ठीक है, सभा। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह या समुदाय, समूह या समुदाय दोनों से है ना, समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह मतलब झुंड, जैसे क्या होता है मेला, सभा, सैनिक, कक्षा। जैसे बच्चों मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा समूहवाचक के चार उदाहरण दें समूह का मतलब झुंड, तो उसमें क्या लिखेंगे आप, सभा, सैनिक, कक्षा और मेला, ये है ना, ये होता है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। बच्चों इसको अच्छे से याद करेंगे, इसके परिभाषा, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, है ना। अच्छा, संज्ञा के भेदों की परिभाषा, उसके और जैसे होता है ना भेद के साथ उसका उदाहरण, जैसे होता है ना इसका, ये जैसे निकाल, ये इसका उदाहरण हो गया ये, ठीक ना। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं संज्ञा के कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, संज्ञा के पांच भेद होते हैं उसका उदाहरण भी लिखना होता है, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, तो सर हम पढ़ते हैं भाववाचक, सॉरी इस पर पढ़ते हैं द्रव्यवाचक, है ना, क्या पढ़ते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, द्रव्यवाचक, चौथा क्या होता है, चौथा हो गया द्रव्यवाचक, द्रव्य वाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, है ना, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य का मतलब क्या हो गया, तरल पदार्थ, है ना, द्रव्य, ठोस भी आता है इसमें, है ना, मतलब जिन शब्दों से, ठीक है, जिन शब्दों से किसी, देखिए जिन जिन शब्दों से किसी, है ना, जिन शब्दों से किसी द्रव्य, द्रव्य पदार्थ, जिन शब्दों से किसी द्रव्य पदार्थ या धातु, है ना, अथवा धातु का बोध होता है, होता है उसे क्या कहते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। देखिए जिन शब्दों से किसी द्रव्य पदार्थ अथवा धातु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य क्या होता है इसमें, जैसे इसमें ठोस भी होता है और इसमें द्रव्य, जैसे जैसे हम लोग बोलते हैं जैसे में क्या लिखेंगे, जैसे में सोना चांदी, है ना, सोना चांदी, ठीक है, सोना चांदी, तेल घी आदि, पानी भी होता है ना, तेल घी पानी भी हो जाएगा, पानी, ये तरल पदार्थ, द्रव्य, ये क्या हो जाएगा, द्रव्य पदार्थ। अरे ठोस में द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा क्या है, पहला क्या हो गया व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक, चौथा क्या हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, द्रव्यवाचक। देखो जिन शब्दों से किसी द्रव्य पदार्थ अथवा धातु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना चांदी पानी तेल घी आदि, ठीक है, ये द्रव्य का बोध कराता है, है ना, इसे नाप तोल भी होता है इसका, ठीक है, इसमें जिन शब्दों से।
तो द्रव्यवाचक संज्ञा